हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये एक ऐसा विषय है जो एम कॉम अकाउंटेंसी में चलता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एडवांस बिजनेस स्टेट्स। और आपको मैंने इसमें चार लेक्चर अभी तक दे दिए हैं। आज का हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो है थ्री एट्रीब्यूट्स में डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन क्लास फ्रीक्वेंसीज। और एक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझना चाहते हैं जो प्राय है एम कॉम की एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो हमारी अननोन फ्रीक्वेंसीज हैं, अज्ञात वर्ग आवृत्तियां हैं, वो कैसे ज्ञात करें, ये आज के लेक्चर में हम इसको समझना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको अच्छी तरीके से इस टॉपिक को तैयार करना है। मैंने अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करने के दो मेथड आपको बताए थे, एक तो सूत्रों के द्वारा और एक तालिकाओं के द्वारा। तो जब भी तीन गुना का सवाल आपके सामने आए तो हमें कुल छह तालिकाएं बना लेनी हैं, जो मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताई थी। और उन तालिकाओं के आधार पर हम आसानी से अज्ञात आवृत्तियों का निर्धारण कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझते हैं। सभी वर्ग आवृत्तियां ज्ञात कीजिए। एक अवतरण दिया अपने को, किसी परीक्षा में कुल 600 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, उनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 96 अधिक थी। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से 310 अधिक थे। उत्तीर्ण विद्यार्थियों में विज्ञान विषय लेने वाले लड़कों की संख्या 300 थी, जबकि कला के विषयों को लेने वाली लड़कियों में 25 अनुत्तीर्ण रही। कुल मिलाकर 135 ने ही कला के विषय लिए थे और उनमें 33 अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या 18 थी। तो हमें एक कोटेशन दे रखा है और इस कोटेशन के आधार पर हमें सभी आवृत्तियां ज्ञात करनी है। तो पहले तो हमें इसमें गुण पहचानते हैं कि इसमें कितने गुण हैं और उन गुणों को हम क्या क्या नोटेशन दें, ये अपने को अच्छे तरीके से समझना है। डियर स्टूडेंट, तीन गुणों वाले क्वेश्चंस में कुल मिलाकर कुल जो आवृत्तियां होती है हमारी, जैसे मैंने बताया था कि 3 की पावर 3 होती है, अर्थात 3 का पावर 3 होता है 27। कुल 27 आवृत्तियाँ होती हैं और उन 27 आवृत्तियों में जितनी आपको क्वेश्चन में दे रखी उनके अलावा आवृत्तियाँ आपको सारी ज्ञात करनी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कुल 27 आवृत्तियाँ ज्ञात करनी है, तो बची हुई आवृत्तियाँ अपने आप हमारे सामने आ जाएंगी। अब मैं यहाँ आपको नोटिस बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आया शब्द लड़की, तो लड़कों को हम जो नाम दे रहे हैं वो ए दे रहे हैं, पॉजिटिव ए, लड़कों को हम ए नाम से देंगे। तो लड़कियां जस्ट अपोजिट है तो इसको हम स्मॉल ए नाम देते हैं। तो ये तो हमारा एक गुण हो गया, लड़कों और लड़कियां। अब इसमें एक शब्द आया हमारे सामने उत्तीर्ण, उत्तीर्ण को हम दूसरा गुण दे देते हैं बी, जो पास हुए वो बी, और जो अनुत्तीर्ण हुए उनको हम स्मॉल बी नाम दे रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा गुण हो गया। और तीसरा गुण इस फॉर्म में हमें और नज़र आ रहा है, और वो जो गुण हमारे सामने आ रहा है वो है विज्ञान विषय लेने वाले, विज्ञान विषय लेने वाले हमने इसको नाम दिया सी, और कला विषय वाले को नाम दे देते हैं हम स्मॉल सी, कला विषय वाले स्मॉल सी। तो ये हमने इनका नोटेशन कर दिया। अब हमें देखना है कि हमारे ज्ञात आवृत्तियां कौन कौन सी हैं। तो हमारे क्वेश्चन लिखा किसी परीक्षा में कुल 600 विद्यार्थी शामिल हुए, तो एन बराबर है 600, हमें एक दो एन दे रखा है, एन का मान हो गया 600। आपको लिखा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 96 अधिक थी, अर्थात लड़कों को हमने ए माना है और लड़कियों को हमने स्मॉल ए माना है। तो ए माइनस स्मॉल ए, ए माइनस स्मॉल ए, लड़कों की संख्या लड़कियों से 96 अधिक बताइए आपको, तो इक्वल टू 96। एक सूचना हमारे पास क्वेश्चन में ये थी जो मैंने लिख दिया आपके सामने। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से 310 अधिक थे, तो उत्तीर्ण को नाम दिया हमने बी और अनुत्तीर्ण को नाम दिया हमने स्मॉल बी, जैसा कि उत्तीर्ण को बी अनुत्तीर्ण बी, और उत्तीर्ण विद्यार्थी ज्यादा हैं अनुत्तीर्ण से, और ये सवाल बताया 310, अर्थात बी माइनस स्मॉल बी इक्वल टू 310 है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है।
आगे लिखा है उत्तीर्ण विद्यार्थियों में उत्तीर्ण को नाम दिया था हमने बी, और विज्ञान विषय लेने वाले लड़के विज्ञान विषय को नाम दिया हमने सी, और लड़कों को नाम दिया हमने ए, अर्थात ए बी और सी कैपिटल में। देखिए तीनों बातें आ गई इसमें, उत्तीर्ण विद्यार्थी तो ये बी हो गया, विज्ञान विषय लेने वाले सी हो गए, और लड़के ए हो गया, तो ए बी सी, और इनका मान दिया है 300 थी, तो कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी का मान है 300। आगे आता है कला के विषय को लेने वाली, कला को हमने स्मॉल सी नाम दिया है, लड़कियों को हमने स्मॉल ए नाम दिया है, और अनुत्तीर्ण को स्मॉल बी नाम दिया है, अर्थात स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। कला के विषय लेने वाली अनुत्तीर्ण लड़कियां, और इनकी संख्या दे रखी है आपको 25, तो ये मान 25 हमारे क्वेश्चन में हमें दे रखा है। कुल मिलाकर 135 ने ही कला के विषय लिए, तो कला विषय लेने वालों को हमने स्मॉल सी नाम दिया है, तो स्मॉल सी है 135, ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। कुल मिलाकर 135 कला विषय लिए, और उनमें जो कला विषय लिए है उनमें 33 अनुत्तीर्ण रहे, तो ये स्मॉल बी हो गया, तो स्मॉल बी और स्मॉल सी भी दे रखिए, स्मॉल बी और स्मॉल सी का मान है 33, तो ये हमें ये मान भी दे रखा है, स्मॉल ए और स्मॉल बी और स्मॉल सी 33। अब हमें एक सूचना होती है अनुत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या, लड़कों को नाम दिया हमने ए, और अनुत्तीर्ण को नाम दिया स्मॉल बी, तो कैपिटल ए और स्मॉल बी ये मान हमें दिया है, ये 18 दिया है, कैपिटल ए स्मॉल बी का मान है 18, तो हमें 8 सूचनाएं किस समय दे रखी है। अब देखिए हम कुछ सूचनाएं हम ज्ञात करना चाहते हैं, देखिए हमें पता है कि क्वेश्चन में ए माइनस ए बराबर दिया है 96, और हमें यही पता है कि ए प्लस ए बराबर होता है 600, क्योंकि आवर्तन योग 600 है, तो आप इसको सोल्व करके देखिए, ये संख्या हो गई हमारे 2a, ये कट गए है, 2a बराबर हो गया 696, तो ए बराबर 696 में आप 2 का भाग दे दीजिए, तो ए का मान आ गया 348, तो कैपिटल ए हमारा 348 हो गया है। तो जब कैपिटल ए 348 है, तो स्मॉल ए भी आप निकाल सकते हैं, 348 में से आप 96 घटा दीजिए, तो स्मॉल ए हमारे क्वेश्चन में आ गया 252, तो एक मान तो हमने ये निकाल लिया है। अब आप क्वेश्चन में एक सूचना हमें और दे रखी है, बी माइनस स्मॉल बी, बी माइनस स्मॉल बी का मान दे रखा है 310, और हमें पता है बी प्लस स्मॉल बी का मान होता है 600, दोनों का योग किया हमने तो ये 2b बराबर, ये कट जाएंगे, 2b बराबर 910 हो गया, तो b इक्वल टू इसका 2 का भाग दे दो इसमें, तो ये b का मान आ गया 455, तो स्मॉल बी निकाल सकते हैं आप, 455 में से आप माइनस कर दीजिए, अंतर था हमारा b माइनस b में 310 का अंतर था, तो 455 माइनस 310 कर दीजिए, तो स्मॉल बी आ गया 145, तो ये मान भी हमारा आ गया है। हमें पता है c प्लस स्मॉल c इक्वल टू 600 होता है, c प्लस स्मॉल c, तो हमें ये देखना है कि स्मॉल c हमारे क्वेश्चन में हमें दे रखी थी, जो हमने ज्ञात किए 135 दे रखी है, तो c बराबर हो जाएगा 600 माइनस 135 बराबर 465, तो ये मान भी हमने निकाल लिया, c बराबर 465 हो गया है। जो मान ज्ञात है वो सारे एक साथ लिख रहा हूं, n पता है 600, a बराबर अभी हमने ज्ञात किया 348, b बराबर हमने ज्ञात किया 455, c बराबर हमने ज्ञात किया 465, स्मॉल ए हमने ज्ञात किया 252, स्मॉल बी हमने ज्ञात किया 145, और स्मॉल सी हमारे क्वेश्चन में दे रखी है ऑलरेडी पहले से ही 135। तो देखिए आप प्रथम कोटि की 6 आवृत्ति आपके पास आ चुकी हैं, शून्य कोटि की हमारे पास ये संख्या भी आ गई है, तो आप देखिए कुल मिलाकर के हमारे पास में 7 फ्रीक्वेंसी हो चुकी हैं। अब हमें द्वितीय कोटि
और तृतीय कोटि की आवृत्तियां निकालनी है, 12 आवृत्तियां द्वितीय कोटि की और 8 तृतीय कोटि की आवृत्तियां निकालनी है। तो मैं तालिका के द्वारा कैसे याद करते हैं आपको अभी सिखाऊंगा। देखिए हमने कुल 6 तालिकाएं बना ली। पहली तालिका में 9 स्क्वायर हैं, दूसरी में 9 स्क्वायर, तीसरी में 9 स्क्वायर है, यहाँ केवल 3 स्क्वायर हैं, यहाँ 3 स्क्वायर हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल मिलाकर के 15 स्क्वायर, 5 × 3 टेबल है। तो 6 तालिका यहाँ को बनानी है। अब कैसे बनानी है समझिए, एक एक करके। मैंने आपको बताया था कि पहली जो टेबल है हमारी ये होगी ए बी की तालिका, ए बी, ये जो टेबल होती है इसको नाम होता है बी सी, और ये जो तालिका है ये ए सी, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बी सी और इसमें मैं लिख रहा हूँ ए सी, ठीक है, ये तालिकाओं। अब इनको हमें 9 स्क्वायर टेबल में लिख देना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब लिखें तो यहाँ हमारा एन आएगा। अब यहाँ बी बड़ा तो यहाँ बी छोटा, यहाँ ए बड़ा तो ये ए ए छोटा, तो ये ए छोटा, हम इनको कोष्ठक में लिख देते हैं ऐसे कोष्ठक में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें बची हुई तीन के नोटेशन कर देने हैं। तो इधर से हमारा मान ए है, तो ये ए बड़ा था ना, तो ये ए तो बड़ा लिख दिया मैंने और ये बी छोटा, ऐसे लिख देना है। यहाँ स्मॉल ए है, यहाँ पर ये स्मॉल ए है, इधर स्मॉल बी है, तो स्मॉल ए स्मॉल बी हो गया। इधर से स्मॉल ए है और कैपिटल बी है, तो ये लिख दिया हमने, ये संख्या बढ़ दी। अब ऐसे ही आपको इस तालिका में देना है, यहाँ एन आएगा, बी सी तालिका है तो आप चाहे यहाँ बी भर दो, यहाँ छोटा बी, यहाँ सी बड़ा, यहाँ सी छोटा। अब देखिए हमें यहाँ भरना है, तो यहाँ बी तो छोटा है और सी बड़ा है, यहाँ देखिए बी छोटा है और सी भी छोटा है, यहाँ देखिए बी तो बड़ा है इस साइड में और सी छोटा है। इसी तरीके में आ जाओ, ये हो गया एन, यहाँ पर ए बड़ा ए छोटा एन आएगा, यहाँ मैंने लिख दिया सी बड़ा सी छोटा, ये हम लिख दिया। अब जरूरी है कि आप इधर ए लिखिए, इधर सी भी लिख सकते हैं, इधर आप ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, इधर इसे देखिए ए छोटा है और यहाँ योग सी बड़ा है, यहाँ देखिए स्मॉल ए है इधर और ये स्मॉल सी है, ए बड़ा है और सी छोटा है, ये लिख दिया मैंने। अब आप यहाँ देखिए बी सी है, तो यहाँ पर भी बी सी और यहाँ पर भी बी सी, अब देखिए कॉमन हो गया सवारी, तो यहाँ ए बड़ा है और ए छोटा है, कोष्ठक में लिखनी है, ये ध्यान रखना। ये मैंने लिखा ए सी, तो मैंने ए और सी, यहाँ मैंने लिखा ए और सी, ये भी ए सी है। अब इसके बीच में बी बड़ा है और बी छोटा है, ये हो गया। अब यहाँ आ जाए, यहाँ आ देखिए यहाँ एन आएगा और ये सी तालिका है, ये सी बड़ा है और ये सी छोटा है। अब इन चारों का योग यहाँ पर वो आएगा जो हमारी इस ए बी टेबल में है, ए बी टेबल की जो अंतर आवृत्ति है वो चारों लिखनी है यहाँ पर योग में, कैपिटल में है ए बी, फिर ए बड़ा है और बी छोटा है, अब स्मॉल ए है और कैपिटल बी है, और स्मॉल ए है और स्मॉल बी है, ये 1, 2, 3, 4 ये चारों मान मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो ये मैंने नोटेशन कर दिया है। अब इसमें सारे सूत्र आ गए हैं, देखिए इन दोनों का योग ये होता है, इन दोनों का योग ये है, इन दोनों का योग ये होता है, इन दोनों का योग ये होता है, इन दोनों का योग यहाँ पर है, इन दोनों का योग यहाँ पर है, इन दोनों का योग यहाँ पर है, ऐसे भी अर्थात आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल योग करेंगे तो ये तालिका हमारी बिल्कुल सही बैठ रही है। अब हम इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। डियर हमारे क्वेश्चन में एन का मान हम देखा था, एन दे रखा है 600, तो मैंने यहाँ लिखा 600, जहाँ जहाँ एन है मैं 600 लिख रहा हूँ, जहाँ एन है वहाँ 600, यहाँ एन था वहाँ 600, मैंने 600 लिख दिया है। हमारे उसमें ए का मान था 348, ए का मान, तो ये देखिए ए है, ये ए का मान है 348, आप देख रहे हैं यहाँ भी ए है 348, ये मैंने ए का मान लिख दिया। हमारे क्वेश्चन में बी का मान हमने याद किया था, वो था 455, तो ये बी है, बी का मान है 455, यहाँ पर बी है, बी का मान है 455, और आप देख रहे हैं यहाँ आगे कोई बी नहीं है। फिर सी का मान है 465, तो सी यहाँ पर है 465, सी यहाँ पर भी है 465, सी यहाँ पर भी है 465, तो ये सी का मान लिख दिया। अब देखिए हम संख्याएं निकाल सकते हैं, हमने स्मॉल ए भी निकाल ली थी, स्मॉल ए 252, देखिए इन दोनों का योग ये होता है, तो ये स्मॉल ए हो गया 252,
आप देख रहे हैं स्मॉल ए हमारे यहाँ भी है, तो यह है 252, अर्थात इन दोनों का योग 600 होता है। स्मॉल ए यहाँ और नहीं थी, हमने स्मॉल बी भी निकाल लिया था 145, स्मॉल बी 145, इन दोनों का योग 600 होता है। यहाँ भी स्मॉल बी है 145, और आप देखिए यहाँ पर स्मॉल बी नहीं है, स्मॉल सी 135 दे रखी है, तो ये स्मॉल सी 135, स्मॉल सी यहाँ भी है 135, यहाँ भी है 135, तो हमने स्मॉल सी का मान भी रख दिया है। बी सी का मान, ए सी का मान हमें छांटने पड़ेंगे, देखिए क्या है ये हमें आगे समझना है। तो जो क्वेश्चन में सूचनाएं थी वो मैंने सारी उतार दी हैं। हमारे क्वेश्चन में ए बी सी कैपिटल लेटर में दे रखा है 300, तो ए बी सी दे रखा है, तो मैंने ये लिख दिया 300। हमारे क्वेश्चन में मैंने छांट के बताया था आपको, ए बी सी का मान 300 दे रखा है। स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी भी दे रखिए, तो ये जुट पड़ेगी, तो हम वहाँ भी लिख लेंगे इसको। और हमें स्मॉल बी और स्मॉल सी दे रखा है, स्मॉल बी और ये स्मॉल सी, ये मान दे रखा है, ये 33 दे रखा है, 33 ये भी मैंने उतार दिया है। और ए स्मॉल बी, कैपिटल ए और स्मॉल बी कुछ में दे रखा है 18, तो ये 18 भी मैंने लिख दिया है। तो ये जो गिवन फ्रीक्वेंसी थी मैं लिख दी है, एक गिवन फ्रीक्वेंसी हमारे पास अभी और है, जो मैं तालिका बनाऊंगा उस टाइम आपके सामने आएगी। स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी का मान हमें पता है, तो वो हमें और यूज कर लेनी है। तो अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल योग के द्वारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी याद करते हैं, तो ये सीखिए। आप देखिए ये है 145, ये है 18, तो 145 से आप 18 घटा दो तो ये संख्या आ जाएगी, ये आया 127। अब देखिए ये 252 है, ये 127 है, 252 है, 127 है, तो हमारी स्मॉल ए बी आ जाएगा, ये आया 125, घटा दीजिए आप, तो ये हो गया 125। अब हमें 455 में से 125 घटा देने हैं, तो हमारा ए बी का मान आ जाएगा, ये आया 330। 330 में आप जोड़ेंगे, देखिए आप, तो 455 हो गया, ऐसे जोड़ेंगे आप 348 हो गया, ऐसे जोड़ेंगे, ये हमारी ए बी तालिका कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं बी सी तालिका में, इस तालिका में देखिए ये 145 है, ये 33 है, तो ये मान आप निकाल सकते हैं, 145 में से आप 33 घटा दो तो ये 112 बच गया, तो ये मान हमारा 112 आ गया। अब आप देखिए 465 में से 112 घटा दो तो ये मान आ जाएगा, ये 353 आ गया। इसी प्रकार से 135 में से आप 33 घटा दो तो ये मान 102 आ गया, तो हमारी टेबल बी सी भी तैयार हो गई है। जैसे ही बी सी टेबल तैयार हो गई तो ये मान आ गया हमारा बी सी का 353, ये 353 बी सी का मान आ गया, ये 300 है, तो स्मॉल ए और बी सी ये मान भी हमें मिल गया, ये 53 हो गया, ये मान भी हमने निकाल लिया। अभी तक हमारे पास ए सी का मान नहीं आया है, तो ये टेबल बाकी है, मैं ये मान उतार रहा हूँ, ए बी है 330, स्मॉल ए और बी, ए और स्मॉल बी का मान है 18, स्मॉल ए कैपिटल बी है 125 और स्मॉल ए स्मॉल बी 127, तो ये मान मैंने उतार दिए। हमारी ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी समझिए, कैपिटल लेटर में ए बी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ ए बी, मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ ए बी। अब देखिए सी बड़ा और सी छोटा, ये ऐसा है, ये है ए स्मॉल बी, ए स्मॉल बी, ए स्मॉल बी, या सी बड़ा और सी छोटा, ऐसे छांट लीजिए। ये है स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, तो सी बड़ा और सी छोटा, यहाँ जाइए स्मॉल ए स्मॉल बी हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो सी बड़ा और सी छोटा। अब जो वैल्यू पता है वो बता दीजिए, तो ए बी सी का मान हमें पता है 300 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 300। अब आपको और बांध देखिए, हमें पता है स्मॉल ए बी सी 53 है, स्मॉल ए बी सी ये मान 53 है, मैंने 53 लिख दिया। और मैंने आपसे कहा था ये एक मान हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये 25 है, तो ये मैंने 25 लिख दिया। अब देखिए जो संख्याएं आपकी निकल सकती है वो निकाल लीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा मान 127 है और ये मान हमारा 25 है, तो 127 25 घटा दो, हमने घटा दिया तो ये 102 बच गया, ये मान 102 हो गया। यहाँ देखिए ये 125 है और ऊपर 53 है, 125 है और ऊपर 53 है, तो 125 से 53 घटा दो तो ये मान आ जाएगा, तो ये 72 हो गया, तो ये संख्या बन गई हमारी, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि ये संख्या निकाल सकते हैं, अर्थात 465 में से आप 102, 53 और 300
ये सब घटा दूँ तो घटाने पर ये वाला मान बच जाएगा, ये स्मॉल ए बी सी, ये हमारी संख्या 10 आ गई। और जब ये 10 आ गई तो ये 18 है, तो ये 8 आएगी, तो ये 8 हो गई। 135 में से अभी तीनों घटा दो, 72, 8 और 25, 72, 8 और 25 135 में घटा दो, तो बची संख्या हमारी ए बी स्मॉल वाई आ जाएगी, स्मॉल सी, ये 30 आ गई। ये आप देख रहे हैं कि हमारी ये सब संख्याएं हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। हमारे पास तालिका बची हुई है, ये ए सी का मान हमें चाहिए निकालना है, ये खाली पड़ा है, तो ये ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, ए स्मॉल बी और कैपिटल सी हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, ये 10 दे रखा है, सॉरी कैपिटल ए स्मॉल बी से 10 दे रखा, तो मैंने यहां पर ये 10 लिख दिया। इन दोनों का योग कर दीजिए तो ए सी का मान 310 हो गया। जब ये ए सी का मान 310 हो गया तो ये अंतर निकाल लीजिए, यहाँ ये मान आ जाएगा, तो ये मान हमारा हो गया 38, ठीक है। और जब ये 38 हो गया तो 135 में से 38 घटा दो आप, तो ये 97 आ गया। 465 में 310 घटा दो, तो ये 155 मान आ गया हमारा। 155 में 97 जोड़ दीजिए तो 252, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी हमारी आ चुकी है। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन में 7 दे रखी थी, बाकी आवर्तन निकालिए। तो देखिए ये चार जो कोने दिखा रखे हैं, चार ये होगी, चार ये होगी 8, चार ये होगी 12। ये 12 तो हमारी दो गुणों वाली अंतस्थ आवृत्तियाँ होगी, और आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है तीन गुणों वाली अंतस्थ आवृत्तियाँ होगी। तो 12 और 8 20, ये होगी 7 हमारे क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले बताई थी प्रथम कोटि की और शून्य कोटि की। तो इस प्रकार से 27 आवृत्तियाँ हम दिखा सकते हैं। आप चाहो तो दोबारा आप इनको रीराइट करके लिख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारी आवृत्तियाँ हमने ज्ञात की हैं। तो यह था हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सरल तरीका, जिसमें सूत्र भी आ गई और तालिका भी, बहुत आसानी से आप इनको समझ के हल करके दिखा सकते हैं। तो यह था हमारा टॉपिक, डिटरमिनेशन ऑफ अननोन क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ थ्री एट्रीब्यूट्स। और मेरे कल के लेक्चर में अब हम आपको समंगों की संगति के बारे में पढ़ाऊंगा, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, कि हमने जो समंग यूज किए हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, ये कल के लेक्चर में आप पढ़ना। लेक्चर समझ में आया तो आप इसको अपने साथियों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।